सो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सब देख सकते हैं। मैं इसका रायपुर में ही अराइवल लेने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ध्रुव जाके ही लेने से बेटर है। तो ये खड़ी हमारी ध्रुव विशाखापट्टनम वॉल्टियर, और आज इसका फर्स्ट रन है ध्रुव से, और इसमें लगा हुआ है आज WAG 9 आसनसोल ईस्टर्न रेलवे का ऑफ लिंक है। वैसे इसमें कोई लिंक तो देगा नहीं, चलिए मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ट्रेन में 2 थर्ड AC और 5 स्लीपर के कोच और 2 जनरल कोच लगे हैं। और अब इसको एक्सप्रेस बना दिया गया है, स्टॉपेज वही है, बस ट्रेन का नंबर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। ट्रेन का ध्रुव विशाखापट्टनम से ध्रुव का नंबर 18530 है, और ध्रुव से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन का नंबर है 18529। और ये पूरा एक SLR कोच है, सामने लोगो लगा हुआ है, और ये एक SLR कोच है। इसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं ये एक थर्ड, इसके बाद फिर सेकंड में एक थर्ड, 2 थर्ड AC, पीछे की तरफ 5 स्लीपर के कोच है, और उसके पीछे 2 जनरल और एक SLR के साथ चलेगी ये हमारी। आज यहाँ से फर्स्ट रन होगा ध्रुव विशाखापट्टनम पैसेंजर, ध्रुव विशाखापट्टनम वॉल्टियर एक्सप्रेस का। ये देख लीजिए, फिर से मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, और आज इसको हॉल करने वाला है G9, यही इसको लेके जाएगा विशाखापट्टनम तक एंड टू एंड। आसनसोल का G9 लगा हुआ है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट रन इसका आज इनॉग्रल रन है, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल RF रजत पांडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेंड्स के और आपके लिए अपडेट्स लेकर आता रहूं। क्योंकि भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक किया करो, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। ये देख लो, एक AC कोच आगे है और एक ये है, इसके बाद स्लीपर का कोच है, और ट्रेन डिपार्ट होगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, ध्रुव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। और बाकी ये जितने लगे हैं, अब ये 5 स्लीपर के कोच है, इसके बाद 5 स्लीपर कोच है, उसके ख़त्म होने के बाद में 2 जनरल के कोच और एक SLR पीछे की तरफ है। तो इसमें जनरल की संख्या को अब घटा दिया गया है, कोविड के पहले इसमें बहुत सारे जनरल लगते थे। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर ये 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। और सामने लगी है हमारी छत्तीसगढ़ की शान अमरकंटक एक्सप्रेस, और उसमें लोको लगा है भिलाई शेड का WAP 7, जो इसको बिलासपुर तक हॉल करेगा, फिर बिलासपुर में इसका लोको रिवर्सल होता है। मैंने ध्रुव स्टेशन के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, और दूसरे वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के लिंक के वीडियो के लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और अभी ट्रैक्स का बहुत सारा काम अभी यहाँ पर भी चालू होने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरे ट्रैक्स रखे हुए, ये सब नए नए हैं, ये लगेंगे। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है, और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर आज 3 पर आएगी 1 की बजाय। सो यही है गाइस आज का पूरा इस ट्रेन का पहला आज इनॉग्रल रन जो होने वाला है। इनॉग्रल रन तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, पर हाँ मैंने आपको ट्रेन लाइवली दिखा दी। अब ये ट्रेन भी जो जिनको विशाखापट्टनम टिटलागढ़ की तरफ जाना है उनके लिए ये सुविधा हो गया है। और एक ट्रेन जो है वो रायपुर से ही छूटती है, रायपुर से ही बनती है, वो भी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी, उसका मैं इनॉग्रल रन का वीडियो ज़रूर डालूंगा अपने चैनल पर। सो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मेहनत अभी किस लेवल का है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। और चलिए चलते हैं, मैं आपको फिर से एक बार, आपको लोको तो मैंने दिखा ही दिया है, फिर भी मैं आपको इसका एक बार और लोको दिखा देता हूँ। मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ जहाँ लोको लगा है, हो सकता है वहाँ पर मेरी आवाज़ आपको शायद अच्छे से ना आए, फिर भी मैं ज़ोर से बोलने का कोशिश करूँगा। और ये लास्ट इसका एक ये लगा हुआ है, ये देखिए
एसी थ्री टायर का कोच और एक और एसी थ्री टायर का कोच है। अब इसको एक्सप्रेस बना दिया गया इसलिए इसमें जनरल कोच की जो संख्या है उसको घटाकर दो कर दिया गया है, नहीं तो पहले कोविड के पहले इसमें बहुत सारे जनरल के कोचेज ही लगते थे। ये देखिए काफ़ी, ये बोलेंगे कि काफ़ी साफ सुथरा बाहर से कोच नहीं है, काफ़ी गंदा कोच है। ये देखिए ये भी एक एसी थ्री है। चलिए मैं आपको लोगों के पास लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये लगा है हमारा G9 और ये आसनसोल का है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आसनसोल का है ये। देखिए शायद आपको नाम भी दिख रहा होगा, ये देखिए आसनसोल का G9 आज इसको हॉल करने वाला है एंड टू एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सामने लगी हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस, उसका भी यहाँ से बस डिपार्चर होने ही वाला है। शाम को 6:20 में वो ट्रेन यहाँ से निकलेगी और इस ट्रेन का जो है डिपार्चर वो शाम को 6:30 यानी अमरकंटक जाने के ठीक 10 मिनट के बाद ये ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्चर होगा इसका प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। और यही ट्रेन वापसी में जब विशाखापट्टनम से आएगी तो विशाखापट्टनम से इसका डिपार्चर है शाम को 4:55 और इसका रायपुर में अराइवल है इस ट्रेन का सुबह में 4:30 और ध्रुव ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह 5:40 पे और हफ्ते के सातों दिन चलेगी। कैसे लगी आपको ये डिटेल ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट, और मेरे चैनल आर्य रजत पांडे को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, इतना मेहनत करता हूँ सब, आप लोग डिमोटिवेट हो जाता हूँ आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो।